के लिए सपा एमएलए इरफान सोलंकी मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब हिंसा हुई यहाँ पर तो क्षेत्रीय लोग अपने विधायकों को ढूंढ रहे थे, विधायक को ढूंढ रहे थे। आप लोग तो मुस्लिमों को पैरोकार माने जाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है उस क्षेत्र का, आप लोग कहाँ थे? ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस की फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, जिनको हर चीज़ मालूम था। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री जी जिस शहर में मौजूद हों और वहाँ पुलिस इतनी लापरवाह हो जिसको मालूम नहीं है कि क्या होने जा रहा। मैं तो कहूँगा योगी जी से कि एक्शन लीजिए ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, कि जिन आप भी मौजूद थे वहाँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा भी मौजूद थी। उसके बाद अगर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं इसको पुलिस की फेलियरी कहा जाएगा। कब शहर काजी ने सवाल उठाया है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पूरे मामले में, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, जबकि एक वर्ग दूसरा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि हिंसा में दोनों लोग इन्वॉल्व थे, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात कह रहे हैं भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, दंगाई कोई भी हो, दंगाई दंगाई होता है, कोई मजहब से ना देखना चाहिए। मैं तो योगी जी से यही कहूँगा कि आप अगर सबको, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने की बात जो बीजेपी और हमारे मोदी जी कहते हैं, तो आप बताइए आरोपी कोई भी हो, दंगाई कोई भी हो, चाहे उसका नाम इरफान हो या उसका नाम श्याम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा नज़ीर पेश करिए कि आने वाले 5 साल तक कि कोई भी अगर ऐसी घटना करने की सोचे तो एक बार इससे पेन्ना ले और वो घटना करने के लिए 10 बार उसके पैर उठने से पहले कांपने लगें।